शीट नंबर 45 में कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर और वोल्ट मीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस, बोलो सिंबल क्या है, जी, एंड इट इज डिजायर्ड टू पास 4% ऑफ टोटल करंट थ्रू इट। मतलब जो गैल्वेनोमीटर है ये याद करो ये शंट है, टोटल करंट आई आया, इसमें सिर्फ 4% ऑफ आई को ही पास करवाया गया, इसका मतलब इसका करंट का नाम क्या है, आई जी। तो आई जी का मतलब क्या है, 4% ऑफ आई। क्या निकालना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, आपको इसमें एस निकालना है, क्या है शंट का फॉर्मूला क्या था, आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। तो तुम इस आई जी को यहां पुट कर लो और साथ में यहां भी पुट कर लो और जी की वैल्यू तुम्हें मालूम है, एस निकाल लेना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बहुत सिंपल आता है, एनसीईआरटी में या तो एस पूछ लेगा या आर पूछ लेगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें जब आंसर आ जाएगा। ये 7 क्वेश्चन ही आपको बहुत कुछ बता देंगे, समझ में आ रहा है यहाँ तक। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, बोलो ये क्या चीज़ है, जी, रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। जब आप ये बोलते हैं टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स हैं लेफ्ट और राइट, और जब आप इसके साथ रेजिस्टेंस लगाते हैं उसका नाम क्या है, शंट। तो ये क्या गिवन है, शंट। वॉट इज टोटल करंट दैट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, टोटल पार्ट ऑफ द टोटल करंट, गैल्वेनोमीटर का करंट निकालने कितना होगा और कैसे, पार्ट, पार्ट का मतलब फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन करंट गैल्वेनोमीटर में चला गया, ये क्वेश्चन है। वॉट पार्ट ऑफ करंट, आई जी इज हाउ मच टाइम्स आई, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है शंट का, कितना, आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी। तो तुम S की जगह क्या पुट कर लेंगे, 5 ओम, तुम G की जगह क्या पुट कर लो, 50 ओम, सॉल्व करके रेशियो निकाल लो, IG और I की रेशियो आ जाएगी, दिस इज द आंसर। क्लियर है यहां तक, रेशियो निकाल लेना IG और I की आंसर, कोई डाउट इसमें। ठीक है यहां तक, समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू कन्वर्ट 1 mA फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 1 mA फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इंटू एम मीटर। मतलब एम मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो फिर पुराना मीटर कौन है, गैल्वेनोमीटर। मैं गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाना चाहता हूं तो इसका मतलब ये करंट क्या है, आए जी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, जी, और मैं एम मीटर बनाना चाहता हूं तो ये क्या गिवन है, आए, और ये ए पार्ट है। एम मीटर बनाने के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी, शंट। तो इसके अंदर आप वैल्यू निकालेंगे शंट की, आपको क्वेश्चन में आई जी पता है, आई पता है और जी पता है, तो जो भी आंसर आएगा आप बोल देना कि शंट लगानी पड़ेगी, इन पैरेलल ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसी के अंदर ये कह रहे हैं मैं वोल्ट मीटर भी बनाना चाहता हूं, और अगर वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं तो मुझे आर लगाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, ये उसका फॉर्मूला है। अब तुम्हें जी पता है, वी पता है, आई जी पता है, लेकिन लिखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस आर किस में लगेगी, इन सीरीज। समझ में आ रहा है यहां तक, या तो देखो शंट लगानी पड़ेगी या आर लगाना पड़ेगा, और तो कोई मैकेनिज्म है नहीं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, किसकी बात कर रहा है ये, गैल्वेनोमीटर की। तो ये रेजिस्टेंस क्या हुई, जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 25 mA इज पास्ड, गैल्वेनोमीटर पूरी डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब ये कौन सा करंट है, आई जी। तो आपको बताना है क्या बनाना है इसे, वोल्ट मीटर। तो ए पार्ट में वोल्ट मीटर बनाना है तो आर लगाना पड़ेगा, वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस जी। तो वोल्ट मीटर 120 का बनाना है, आई जी आपको पता है 25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 और जी की वैल्यू 10, आंसर निकाल लेना। ठीक है, वोल्ट मीटर बन गया, वोल्ट मीटर के लिए आर निकालना पड़ता है, ये फर्स्ट पार्ट है, और फिर एम मीटर निकालना है, एम मीटर के लिए का मतलब ये आई है, तो बी पार्ट में क्या करना पड़ेगा, क्या लगानी पड़ेगी,
शंट लगानी पड़ेगी, आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। आपको सारी वैल्यूज पता है, शंट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हर क्वेश्चन में या तो आर निकल रहा है या एस, या आर या एस, सिर्फ पहचानने की बात है कि क्या गिवन है। ठीक है यहाँ तक? जैसे फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है जी? डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 mV इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल। एक डिवीजन के लिए वोल्ट कितने गिवन है? 4 mV गिवन है ऐसे, एक डिवीजन के वोल्ट गिवन है। अब वो कह रहे हैं इसमें क्या निकालना है, आपको शंट निकालनी है। जब करंट I की वैल्यू 10 एम्पियर को मेजर करना चाहते हो और 25 डिवीजन टोटल हैं, 25 पूरे मीटर के अंदर डिवीजन हैं, तो मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कितनी हो सकती है? एक डिवीजन में इतने वोल्ट हैं, 25 डिवीजन के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, ऐसे इतने वोल्ट हैं। तो बेसिकली ये क्या आ गया? ये वीजी आ गया। वीजी का मतलब वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर। अब तुम्हें आप इस क्वेश्चन के अंदर जी पता है 20, तुम्हें वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर पता लग गई 25 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर ओम नो लगा लो आई जी इंटू जी। गैल्वेनोमीटर में ओम नो लगेगा, तो वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर इस करंट इन गैल्वेनोमीटर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आपको ये चीज़ पता है, आपको इसमें ये पता है, सॉल्व करके क्या जाएगा? आई जी। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो एस इज इक्वल टू क्या? आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। वैल्यू पुट कर लेना, शंट की वैल्यू आ जाएगी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? तो वो सेंसिटिव जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो इसलिए गिवन होती हैं ताकि आप या तो वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर निकाल लो, या करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर निकाल लो, या रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकाल लो। पर तो पर डिवीजन से टोटल डिवीजन से मल्टीप्लाई करके टोटल वोल्टेज आ जाएगी। सही यहाँ तक? तो लॉजिक समझ में आ रहा है इसका? कोई डाउट इसमें? जैसे क्वेश्चन नंबर 6, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस क्या गिवन है? जी गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 5 dB/mA। तो 5 डिवीजन में 1 mA करंट है। आपको मालूम है ये क्या गिवन है? ये टर्म क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। पर मैं करंट सेंसिटिविटी का कोई फॉर्मूला याद करता ही नहीं, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, 5 डिवीजन में इतना करंट है और टोटल कितने डिवीजन हैं? 50। तो 1 डिवीजन में कितना करंट है? 1 × 10⁻³/5। और 50 डिवीजन में कितना करंट होगा? 1 × 10⁻³/5 × 50। 50 डिवीजन किसकी बात कर रहा है? ये गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर में पूरी 50 डिवीजन हैं और पूरी 50 डिवीजन का मैक्सिमम करंट कितना होगा? ये करंट होगा। इस मैक्सिमम करंट को आईजी बोलते हैं, क्योंकि आईजी का मतलब मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? आईजी। तो करंट सेंसिटिविटी से गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट आ जाता है आईजी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी से मैक्सिमम वोल्टेज आ जाती है वीजी। तो इसमें आईजी आ गया, जी आ गया। कैलकुलेट मैक्सिमम करंट आई निकालना है जब शंट की वैल्यू इसमें 2 ओम है। तो तुम शंट का फॉर्मूला लगाओ, आईजी इंटू जी बाई आई माइनस आईजी। तो शंट आपको पता है, आईजी आपने निकाल लिया, आईजी आपने निकाल लिया, जी आपको पता है, सॉल्व करके आई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो कैसे इस क्वेश्चन को करना समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, इट इज इंटेंडेड टू मेजर अ मैक्सिमम करंट ऑफ 25 एम्पियर विद एम मीटर ऑफ रेंज गिवन। अब ये क्या है, मैं कितना करंट मेजर करना चाहता हूँ? 25, और एम मीटर की का करंट कितना है? 2.5। तो फिर आई और आईजी में कौन है? आईजी 2.5 आई जी है, और आई वैसे भी आई तो बड़ा ही होगा ना आई जी से। ये तो मतलब लॉजिक ही है। तुम अगर कुछ भी ना जान पाए और तुम्हें कुछ भी नहीं आता और तुमसे कोई पूछ ले आई जी और आई क्या है, इससे आसान क्या होगा? कुछ न्यूमेरिकल आता जाता नहीं है। छोटा करंट आई जी है, बड़ा करंट आई है,
क्योंकि छोटा करंट तो अपने आप ही गैल्वेनोमीटर बन गया और बड़ा करंट अपने आप एमीटर बन गया, इससे आसान क्या होगा। और वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.9, तो वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब जी पता है गैल्वेनोमीटर की, तो क्या करेंगे आप, तो इसमें शंट लगाऊंगा, शंट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी, सब कुछ गिवन है। एक आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा, सेकेंड पार्ट टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। अब गैल्वेनोमीटर के साथ जब शंट लगेगी तो टोटल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस होगी जी इंटू एस बाई जी प्लस एस इज द आंसर।